और राजधानी भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस ने अपनी दूसरी उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। सौंसर से विजय चौरी को कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, उनको इस बार चुनावी मैदान में उतारा है। बरासिया से सोहन बाल्मीकि को कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, उनको इस बार कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है। और बता दें कि होशंगाबाद से गिरिजा शंकर शर्मा को टिकट दिया गया है। अब तक 230 सीटों में से 229 सीटों पर कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। सिर्फ बैतूल जिले की आमला विधानसभा सीट फिलहाल होल्ड पर कांग्रेस ने रखी है। 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बदले हैं। 88 नामों की इस बार घोषणा की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें राजधानी भोपाल से, जहां पर कांग्रेस की दूसरी सूची जारी हो चुकी है। दूसरी सूची में 88 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कांग्रेस पार्टी ने किया है। इस बार 88 उम्मीदवार कांग्रेस उतार चुकी है और सुमावली के कुलदीप सिकरवार कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए गए हैं। दिनेश गुर्जर को मुरैना से टिकट दिया गया है। और बता दें कि यह बड़ी खबर आपको राजधानी भोपाल से, जहां पर कांग्रेस पार्टी की दूसरी सूची जारी हो चुकी है, जहां पर 88 उम्मीदवारों का नामों का ऐलान हो चुका है। और मुरैना से दिनेश गुर्जर को कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। देवेंद्र राम नारायण को अम्बाह से टिकट दिया गया है। और इसके अलावा बात की जाए भिंड की, तो भिंड से राकेश चतुर्वेदी को कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा सुनील शर्मा ग्वालियर से कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी बनाए गए हैं। इसके अलावा बुरहानपुर से ठाकुर सुरेंद्र सिंह सेरा को प्रत्याशी बनाया गया है। सुरेंद्र सिंह सेरा ने पिछला चुनाव निर्दलीय लड़ा था। और इछावर से शैलेंद्र पटेल को उम्मीदवार बनाया गया है। देखिए एक एक करके, और पुष्पराज पटेल नए प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, इनको सुहागपुर से उम्मीदवार बनाया गया है। दतिया से राजेंद्र भारती को टिकट दिया गया है। ये सीट कांग्रेस ने बदली है। तो ये वो 3 सीटों में पिछौर अरविंद सिंह लोधी उम्मीदवार बनाए गए हैं। ये भी वो सीट है जहां पर उम्मीदवार बदले गए हैं। सागर से निधि जैन को उम्मीदवार बनाया गया है। यहां पर कड़ी टक्कर कांग्रेस बीजेपी में देखने को मिलेगी। राजेंद्र शर्मा को रीवा से टिकट दिया गया है। और इसके अलावा नीरज बघेल विजय राघवगढ़ से उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जबलपुर कैंट से अभिषेक चौकसी को कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, प्रत्याशी बनाया है। और मंडला से अशोक मर्सकोली को इस बार चुनावी समर में उतारा है कांग्रेस पार्टी ने। जुन्नार देव से सुनील उइके को उम्मीदवार बनाया गया है, ये दूसरी दफा है। और बता दें कि अमरबाड़ा से कमलेश शाह को भी कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। सौंसर से विजय चौरे को उम्मीदवार बनाया गया है। तो ये तमाम सीटें हैं जहां पर कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। परासिया से सोहन बाल्मीकि उम्मीदवार बनाए गए हैं। और होशंगाबाद से गिरिजा शंकर शर्मा को टिकट दिया गया है। गिरिजा शंकर शर्मा कुछ देर पहले बीजेपी से कांग्रेस में आए हैं। और अब तक 230 सीटों में से कांग्रेस ने 229 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए हैं। सिर्फ बैतूल जिले की आमला विधानसभा सीट फिलहाल होल्ड पर है, यहां से निष्पक्ष दावेदारी कर रही है। और 3 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी बदले गए हैं। 88 नामों की कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की है। तो बड़ी खबर आपको राजधानी भोपाल से बता दें, जहां पर कांग्रेस पार्टी की दूसरी लिस्ट जारी हो चुकी है। दूसरी सूची में 88 उम्मीदवारों के नामों का कांग्रेस ने ऐलान किया है। और सुमावली से कुलदीप सिकरवार कांग्रेस ने के प्रत्याशी बनाए गए हैं। इसके अलावा दिनेश गुर्जर को मुरैना से टिकट दिया गया है।